हेलो गाइस, दुर्गा पूजा आ रहा है और आप लोग मैंने खुद से देख सकते हो गाइस, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, अंदर जाके देखते हैं। आ जाओ आ जाओ, चलो 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 गाइस, दुर्गा पूजा आ रहा है और एक बार आप लोग वहां पर देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू आर डूइंग एफिलिएटेड। सो गाइस, मेरा नाम है विशाल, एके IBMR7, एंड यू आर वाचिंग IBMR7 व्लॉग्स। सो गाइस, दुर्गा पूजा आ रहा है फाइनली, अपना जो दुर्गा पूजा का वेट है गाइस ओवर है। सो गाइस, मैं कहीं तो एक वीडियो देखा था जहां पर एक बंदा बोल रहा था कि 4 दिन का खुशियां और 360 दिन का इंतजार। हम लोग बंगाली है भाई, और ये अपना पूजा। सो गाइस, दुर्गा पूजा आ रहा है गाइस फाइनली, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। और पीछे आप लोग प्रिपेरेशन देख सकते हो गाइस, कितना खतरनाक है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है भाई। मन कर रहा है कि अभी भाई दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर लो, लेकिन हाँ, दुर्गा पूजा होने में थोड़ा बहुत टाइम है गाइस, अभी 15 दिन के जैसा है, और अभी प्रिपरेशन चल रहा है गाइस फुल स्टेज में। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड, कि आप लोग एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना। और आज का जो वीडियो है गाइस, इसी के ऊपर डेडिकेटेड है। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ गाइस कि लामडिंग में दुर्गा पूजा का क्या प्रिपरेशन है, क्या कुछ है, कैसे मूर्ति बन रहा है एंड कैसे पेंडल बन रहा है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ गाइस इस ब्लॉग में। तो ब्लॉग पे गाइस बने रहिए, और जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम आए, प्लीज़ यार नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है गाइस, रेड कलर का बटन है, उसे दबा के ग्रे कर दो। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर कर देना, और जो लोग भी किया है वो लोग भी कर दो। नहीं नहीं, आप लोग तो किए हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो लोग भी न्यू है आप लोग कर दो सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। फिलहाल हूँ भारती मिलन संगो में गाइस बेलतला, और ये पूजा है गाइस यहाँ पर स्पेशली बेलतला में। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, इट्स फेमस फॉर इट्स पेंडल, क्योंकि यहाँ पर पेंडल बहुत ही ज्यादा यूनिक होता है और बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, दुर्गा पूजा मतलब लामडिंग में बहुत ही ज्यादा यूनिक और मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब ऑक्सीशियस एक ओकेशन है गाइस दुर्गा पूजा। मतलब दुर्गा पूजा के टाइम में गाइस जितना भी लामडिंग में मतलब जाति रहते हैं, जैसे कि बिहारी हो जाए, बंगाली हो जाए, एसामीस हो जाए, सो सब लोग मतलब एक साथ आके गए दुर्गा पूजा को ग्रैंडली सेलिब्रेट करते गए। जैसे कि नेपाली बस्ती हो गया, वहाँ पर नेपाली लोग दुर्गा पूजा पालन करते हैं, फिर एसामीस में PDF में एसामीस लोग करते हैं, हम लोग लामडिंग में सब लोग मिलके दुर्गा पूजा को ऑर्गेनाइज करते हैं और इतना बड़ा से सेलिब्रेट करते हैं। और पीछे आप लोग देख सकते हो गाइस, इतना बड़ा और ह्यूज पैंडल है। सो एक बार दिखा देता हूँ मैं फिर आपको, ये देखने में अभी ऐसा लग रहा है गाइस, लेकिन 15 दिन बाद इसका कुछ अलग ही लुक होने वाला है गाइस इसका। और आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पर, भाई एक्साइटेड हो कि नहीं दुर्गा पूजा के लिए, एक्साइटेड हो कि नहीं? अभी हम लोग चलते हैं, लेट्स गो, लेट्स गो। तो गाइस हम लोग पेंडल वेंडल दिखा के आ गए गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स मूर्ति जहाँ पर मेक होता है, मतलब जहाँ पर मूर्ति बनाते हैं गाइस वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। और आपको दिखाने वाला हूँ कि मूर्ति कैसे बनाते हैं गाइस लामडिंग में, और लामडिंग में बहुत सारे ऐसे कारीगर है गाइस जो मूर्ति बनाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं एक फैक्ट्री में अभी जहाँ पर मूर्ति बनता है। सो गाइस यहाँ पर मूर्ति का मीन्स कलरिंग वगैरह चल रहा है गाइस, और यहाँ पर ज़्यादा मूर्ति नहीं है, उनका और एक जगह है वहाँ पर भी जाएंगे हम लोग, वहाँ पर और ज़्यादा मूर्तिज है। सो गाइस वहाँ से हम लोग आ गए, और वहाँ पर ज़्यादा वीडियो नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मूर्ति नहीं था, ठीक है। अभी उस अंकल का घर पे हम लोग जा रहे हैं, उस अंकल का घर पे बहुत सारा मूर्ति है। तो
गाइस वहां से तो हम लोग पंडल वंडल दिखा के आ गए गाइस और एक कारखाना में गए थे दुर्गा मूर्ति का, लेकिन वहां पर एक ही दुर्गा मूर्ति देखने को मिला था, लेकिन हम लोग अभी उनके रियल वाला घर पे आए गाइस। यहां पर दुर्गा मूर्ति से रिलेटेड ही कारखाना है, यहां पर से दुर्गा मूर्ति मिलेगा, तो चलिए जाते लेट्स गो। जाने से पहले भाई यहां पर देखो भाई कितना क्यूट और कितना सुंदर मूर्ति है, एक बार आप लोग देखो अच्छे से देखो, वाओ कितना क्यूट लग रहा है देखने में, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है गाइस। और यहाँ पर ढक के रखा है ताकि बारिश को मतलब बारिश इसको इफेक्ट ना करे, और इसमें शायद कलर होगा, और कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है देख के भी। तो अभी चलो लेट गो, आ जाओ। माय गॉड गाइस यहाँ पर आप जस्ट देखो गाइस की इतना सारा मूर्ति है, और जस्ट देखो भाई पहले यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर जस्ट सब लोग मूर्ति देखो कितना बड़ा है और कितना सुंदर से लोग ने डिटेलिंग किया, एक एक चीज आप लोग जस्ट नोटिस करना ठीक है, एक एक चीज कितना सुंदर से लोग ने डिटेलिंग किया। लायन का स्ट्रक्चर देखो गाइस कितना सुंदर से लोग ने डिटेलिंग किया, एक एक चीज। ओह माय गॉड यहाँ पर देखो दुर्गा मूर्ति बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूज है, और ये दुर्गा मूर्ति अभी तक हुआ नहीं आई गेस, ये 50% हुआ अभी, कलर बाकी है। और यहाँ पर देखो और कितना छोटा एक दुर्गा मूर्ति है, और मतलब ये जो दुर्गा मूर्ति है गाइस ये आपको मैं बताता हूँ ये कहाँ यूज़ होता है, कई कई जगह पे बहुत सारा अलग अलग टाइप का दुर्गा मूर्ति ऐसे शो के लिए बना रहता है, लेकिन उसको पूजा नहीं कर सकते ठीक है, इसके लिए ये छोटा भी वो लोग लेके जाते हैं मेन वाला मूर्ति के साथ और इसको पूजा करते हैं, और जो शो के लिए होता है वो मतलब लोग उससे देखते हैं, लेकिन जो मेन वाला पूजा होता है गाइस ये मिट्टी से बना हुआ मूर्ति को वो लोग पूजा करते हैं। मतलब यहाँ पर मैं जहाँ पर देखूँ वहाँ पर सिर्फ मूर्ति नजर आ रहा है मुझे, और यहाँ पर देखो गाइस सारा मूर्ति है गाइस, लेकिन मैं सोच के आया था कि आपको मतलब प्रोसेस दिखाऊं कि कैसा मूर्ति बनता है, लेकिन हम लोग का बंगाली ट्रेडिशन में कल्चर में ऐसा मान्यता है कि ऐसा मूर्ति को ऐसा देखना नहीं चाहिए जब बनते हुए, सो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा, और जो प्रोसेस है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता गाइस, आई वेरी मच सॉरी, ये हम लोग अवॉइड कर रहे उस रूल को, लेकिन हाँ जो प्रिपरेशन है उस चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि दुर्गा पूजा का क्या प्रिपरेशन है गाइस ठीक है, लामनिंग में स्पेशली क्योंकि हम लोग लामनिंग में रहते हैं, और लामनिंग में क्या प्रिपरेशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। और अब जस्ट देखो गाइस चारों ओर देखो बस क्या सुंदर लग रहा है यार मूर्ति सब, ये मूर्ति का डिटेलिंग देखो आप लोग, ये अभी तक आई गेस 80% तक कम्प्लीट हो गया, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 70-80% हो गया गाइस, लेकिन कितना बड़ा और कितना ह्यूज है और कितना छोटा जगह में इतना सारा मूर्ति देख के तो मैं पागल ही हो गया टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो गाइस ये वाला रूम में देखो कितना सारा मूर्ति है गाइस, और ये मूर्ति का सिर्फ अभी प्रोसेस चालू है, और मैं आपको प्रोसेस का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कैसा मूर्ति मतलब शेप में आता है ठीक है। जो पहले जो भाई मतलब पहले जो मेन चीज़ है ना गाइस ये वाला फ्रेम है ठीक है, ये वाला फ्रेम होने के बाद ये मतलब नीचे का स्ट्रक्चर है ठीक है, इस फ्रेम के ऊपर और एक बांस का फ्रेम लगाया जाता है जो कि इस मूर्ति का बैकबोन है, ये इसके बिना मूर्ति नहीं रह पाएगा, मतलब ये मूर्ति को पूरा अच्छी तरीके से चारों ओर से पकड़ के रखते हैं, फिर मूर्ति के ऊपर वो लोग मतलब खेर से वो लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं गाइस ठीक है, खेर से पूरा एक मूर्ति का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर मूर्ति के ऊपर स्ट्रक्चर को शेप पे लाने के लिए वो लोग ये वाला क्ले यूज करते हैं, और क्ले का प्रोसेस अलग अलग रहता है, सब चीज़ का गाइस प्रोसेस अलग अलग रहता है, और सब चीज़ प्रोसेस में लाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर मैं आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में अगर दिखाऊं तो ये वीडियो मुझे कम से कम 2-3 महीना से शूट करना पड़ेगा पूरा स्टार्टिंग से लेकर, जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में प्रिपरेशन दिखा रहा हूँ कि कहाँ तक बना। और देखो यहाँ पर देखो गाइस मूर्ति का एक बार आप लोग ये वाला पहले आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाला देखो ये वाला मूर्ति और ये वाला मूर्ति काइंड ऑफ सिमिलर ही है, और यहाँ पर देखो पहले वो लोग व्हाइट से वो लोग थोड़ा बेस कलर मारे, फिर उसके बाद कलर मारने के बाद फिर जो प्रोसेस है गाइस ये देख सकते हो गाइस, इसके ऊपर लाल किया गया, यहाँ पर क्या कलर होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मूर्ति का एक बार आप लोग जस्ट देखो गाइस स्ट्रक्चर देखो एंड जो कारीगरी किया गया इस मूर्ति में आप लोग जस्ट देखो, यहाँ पर थोड़ा आओ यहाँ पर देखो गाइस जो ज्वेलरी बनाया गया गाइस यहाँ पर देखो कितना सुंदर से एक एक डिटेलिंग को पकड़ा गया गाइस इस मूर्ति में, यहाँ पर देखो कितना सुंदर से बालों को बनाया गया, फिर सिक्स पैक एब्स को बनाया गया, फिर देखो कितना भाई अच्छा लगता है देखने में ये देखो गाइस कितना सारा मूर्तिज है यहाँ पर देखो, ये जो मूर्ति आप लोग देख रहे हो गाइस ये मूर्ति और जस्ट 15 दिन रह गए, 15 दिन बाद ये मूर्ति आप लोग को पंडाल में देखने को मिलेगा, और विच आई एम वेरी मच एक्साइटेड गाइस और वेरी मच
मतलब अंदर से एक अलग सा खुशी आ रहा है मेरे अंदर। और ये मूर्ति कहाँ कहाँ का मूर्ति ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, ये पंडाल में जाने के बाद ही मुझे पता रहेगा। यहाँ पर भी देखो गाइस इतना सारा मूर्तिज है, मूर्ति बन रहा है। और यहाँ पर देखो गाइस कलर्स भी आप लोग देख सकते हो कितना सारा कलर यूज होता है। यहाँ पर पिंक है, वाइट है, और यहाँ पर ब्लू है, ग्रीन है, बहुत सारे कलर्स है। यहाँ पर अच्छा से अच्छा मूर्ति है, बहुत ज्यादा अच्छा भी मूर्ति है, और बहुत ज्यादा नॉर्मल भी मूर्ति है, और बहुत ज्यादा ह्यूज भी मूर्ति है। मतलब यहाँ पर हर वैरायटी का मूर्ति देखने को मिल रहा है, और इतना फ्रीडम से वीडियो बना रहा, फॉर व्हिच आई एम वेरी थैंकफुल। परमिशन देने के लिए, आपको दिखाने के लिए जो भी परमिशन दिए, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल। सो यहाँ पर तो हम लोग दिखा दिएगा इस, यहाँ पर मैं अगर और डिटेल में जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक काम करते हैं, उससे भी पूछ लेते, एक काम करते हैं सिनेमेटिक में देखते ना आप लोग। 3, 2, 1 सिनेमेटिक में एंजॉय करो, लेट्स गो। बाज लो तो मार आलो रबिनो, मात लो जे भुवन, बाज लो तो मार आलो रबिनो। और एक चीज मैंने नोटिस किया गाइस कि ये सब जो आप लोग मूर्ति देख रहे हो गाइस, इसके पीछे का जो हार्ड वर्क है वो हम लोग कभी नहीं देखते, ठीक है। हम लोग जस्ट मतलब पेंडल में जाते हैं, मूर्ति को रेट करते हैं और हम लोग आ जाते हैं घर पे, लेकिन इसके पीछे जो वर्क है, हार्ड वर्क है, मतलब वो हम लोग कभी देखते ही नहीं, हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, ये जो आप लोग मूर्ति देख रहे हो गाइस, ये लोग दिन रात, यस गाइस आप लोग ने सही सुना गाइस, दिन रात मेहनत करके ये लोग मूर्ति ये सब बनाए। और वो लोग मुझे एक भाई, मतलब एक भाई ने भी बोला कि ये लोग सुबह 5 बजे से रात के 2 बजे तक वर्क करते, पहले यहाँ पर करते हैं फिर दूसरी जगह पे जाते हैं, वो लोग मतलब ऐसा शिफ्ट उन लोग का चलते रहता है। वैसा शिफ्ट के मिडिल में हम लोग यहाँ पर वीडियो बनाया गाइस। सो वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताना। आप लोग दुर्गा पूजा के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं ये भी बताना, और साथ ही में आप लोग के लिए दुर्गा पूजा क्या है गाइस, एक वन वर्ड में आप लोग जस्ट आंसर करके बताना नीचे कि आप लोग के लिए दुर्गा पूजा क्या है, हम लोग के लिए तो इमोशन है, आप लोग के लिए क्या है। और जो कुछ भी मतलब यूनिक कमेंट आएगा मैं उनको रिएक्ट करूंगा, प्लस उनको पिन भी करूंगा जो सबसे यूनिक कमेंट आएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग इमोशन बोले आप लोग भी इमोशन बोल दो, लेकिन कुछ यूनिक आप लोग को बोलना पड़ेगा गाइस, लेकिन हाँ वही। और लास्ट में गाइस यही बोलना चाहूंगा, यहाँ पर जो एफर्ट है वो देखने को मिला, और साथ ही में बहुत अलग सा एक वाइब मिला गाइस, यहाँ पर दुर्गा पूजा आ रहा है बोल के एक वाइब मिला। और अभी 15 दिन बाकी है, 15 दिन में तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है। सो गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर ही खत्म, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि दुर्गा पूजा आ रहा है, खतरनाक वीडियोज आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्साइटेड। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, बाय बाय, चलो बाय बाय।